बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट इंड्यूस्ड फिट मॉडल। बेटे प्रीवियस लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने कितने मॉडल्स पढ़े थे? दो, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल एंजाइम स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करता था। हमने कहा था कि एमिल फिशर ने जो मॉडल दिया था उसने कहा था आपके पास एंजाइम जो है वो एक लॉक की तरह है और जो सबस्ट्रेट है वो एक एंजाइम की तरह है, सबस्ट्रेट जो की है वो सबस्ट्रेट की तरह है, ठीक है। तो जैसे एक स्पेसिफिक की एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है, तो इसी तरह एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट या एंजाइम के साथ बाइंड करती है और दोनों का स्ट्रक्चर फिक्स होता है, दोनों का स्ट्रक्चर एंड दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर। अगर थोड़ा सा भी स्ट्रक्चरल डिफरेंस होगा, थोड़ा सा माइन्यूट सा, तो आपका रिएक्शन प्रोसीड आपकी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है। उसने बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल रखा था, लेकिन बाद में जब डिटेल स्टडी की गई तो बेटे 1958 के अंदर डैनियल कोशलैंड ने हमारे पास मॉडिफिकेशन की। क्या की? इसने उसके मॉडल को गलत नहीं कहा, इसने सिर्फ थोड़ी सी उसमें जिद्दत पैदा की, जदीद बनाया, मॉडिफिकेशन की। इसने मॉडिफिकेशन क्या की? इसने कहा कि आपके पास जैसे लॉक एंड की मॉडल की उसने बात की थी, उसने ज़्यादा जोर दिया था कि जो एक्टिव साइट है वो रिजिड स्ट्रक्चर है। एक्टिव साइट क्या है? रिजिड स्ट्रक्चर है, कि जब एक सबस्ट्रेट बाइंड करती है तो एक्टिव साइट की चेंज होने के चांसेस 0%, थोड़ा सा भी रत्ती बराबर भी फ़र्क उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जब बाद में स्टडीज़ की गई तो पता ये चला कि हाँ, अगर उसका स्ट्रक्चरल एनालॉग हो, स्ट्रक्चरल मतलब थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस ना हो, थोड़ा बहुत अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो आपका एंजाइम काम करेगा, आपका एंजाइम काम करेगा, आपकी सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट में क्या हो जाएगी? अपनी जगह बना लेगी, अपनी जगह। तो ये आपके पास जो मॉडल है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है। जैसे लॉक एंड की मॉडल में सारी बात लॉक और की उसी में बता दी गई, इसी तरह बेटे हमारे पास यहाँ पे इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। क्या है इंड्यूस्ड का लफ्जी मतलब? क्या होता है इंड्यूस करना? ठोंस देना, धक्के से, ज़बरदस्ती से, यही होता है ना। आपके बैग में चीज़ें पूरी नहीं आ रही, बुक्स पूरी नहीं आ रही, तो आप ज़बरदस्ती उसमें एक चीज़ लगा दो। तो यहाँ पे भी हमारे पास बिल्कुल वैसा ही कुछ सिनेरियो है। मॉडिफिकेशन में इसने लॉक एंड की मॉडल को गलत नहीं कहा, इसने कहा बिल्कुल वो बात ठीक है, लेकिन जो एक्टिव साइट है, लेकिन जो क्या है, उसने कहा था एक्टिव साइट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर, एक्टिव साइट इज़ अ, इसने कहा नहीं, एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड स्ट्रक्चर। बेटे एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, इसने कहा कि एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन लॉक एंड की मॉडल में क्या था कि एक्टिव साइट क्या है? रिजिड स्ट्रक्चर। अब रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है का क्या मतलब? कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शेप ही चेंज है, आप अपनी मर्जी का सबस्ट्रेट लाओ, मर्जी की एक्टिव साइट हो लगाओ, रिएक्शन हो जाए, नहीं। उसने कहा कि आपके पास लेट कि ये एंजाइम है, एंजाइम की हम थोड़ी सी जो है ना यहाँ पे एक स्पेसिफिक शेप बनाते हैं, लेट के हम कहते हैं यूं और ये थोड़ा सा जो है ना इतना पोर्शन है, ये एंजाइम है आपके पास और ये एंजाइम की क्या जगह है? एक्टिव साइट है। इस एक्टिव साइट के साथ हम सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल लगाते हैं। अब जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है वो ड्रा करते हैं। अच्छा बेटे अगर देखो तो ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है। अगर हम बात करें लॉक एंड की मॉडल की, उसने कहा था देखो यहाँ पे वन ग्रूव, एक गढ़ा है, दूसरा है, तीसरा है, यहाँ पे कितने? सिर्फ 1, 2, 3। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शार्प एज बनाए हैं, यहाँ पे मैंने सर्कल कर्व किए हैं, गोल बनाए हैं। तो क्या अगर लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करें तो क्या ये हमारी सबस्ट्रेट इस एंजाइम में बाइंड करेगी? नहीं करेगी। उसने कहा था एग्जैक्ट ऐसा ही होना चाहिए जैसा सबस्ट्रेट, और वैसी ही क्या होनी चाहिए आगे, दोनों रिजिड होने चाहिए। फिट होने के बाद चेंज होने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पे वो कहता है क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? ये आपके पास लेट ए पर सबस्ट्रेट है और यहाँ पे मैं बनाता हूँ बी, बताओ ज़्यादा सिमिलैरिटी ए वाले की है बी वाले की है? ए वाले की, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस तो है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब ये सबस्ट्रेट अगर बाइंड करती है तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल इसने क्या कहा? इसने कहा कि जो एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं है और इतनी भी नरम नहीं है कि जितनी मर्जी आप मोल्ड कर लो उसको, नहीं। जब एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट यहाँ बाइंड करेगी
तो आपकी एक्टिव साइट थोड़ा सा एडजस्ट ज़रूर करेगी अपने आप को, थोड़ा सा एडजस्ट ज़रूर करेगी, ठीक है। तो आपकी अब सबस्ट्रेट इसमें आसानी से क्या हो जाएगी, आ जाएगी, ठीक है, फिट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक्टिव साइट ने अपने आप को थोड़ा सा क्या किया, मोल्ड किया। मोल्ड करना किसे कहते हैं? आपके पास डिफरेंट मोल्ड्स होते हैं ना, जिस सांचा जिसको कहते हैं। यहाँ पे मोल्ड का मतलब है धारणा। एक्टिव साइट ने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया, अपने आप को अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। कितना चेंज किया, थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा? थोड़ा सा, लिटल बिट चेंज इज पॉसिबल, लिटल बिट चेंज इज पॉसिबल, थोड़ी बहुत तब्दीली पॉसिबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा तब्दीली पॉसिबल नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि जो मर्ज़ी लगा दो तो चल जाएगा, नहीं। अगर जो मर्ज़ी लगा दो चल जाएगा, इसका मतलब लॉक एंड की मॉडल की कोई हैसियत नहीं, लॉक एंड की मॉडल की हैसियत बरकरार है, क्योंकि वो पायनियर था। उसने सबसे पहले हमें यही बात बावर करवाई थी कि स्पेसिफिसिटी ज़रूर है, स्पेसिफिसिटी। लेकिन बाद में स्टडीज से हमें ये पता चला कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी एक्टिव साइट है, इतनी रिजिड नहीं है जितनी वो बता के गए, ठीक है। थोड़ी बहुत चेंजेबल है, थोड़ी बहुत changeable. जब कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट वहाँ पे हो जाती है, और आपकी सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो मोर एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा है, लॉक एंड की मॉडल या इंड्यूस्ड फिट मॉडल? आज हम जो यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं? इंड्यूस्ड फिट मॉडल। जितने भी हम मेडिसन्स यूज़ करते हैं जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स को जाके पकड़ती हैं, या डिफरेंट रिएक्शंस को कैटालाइज करवाने वाले एंजाइम्स को रोकना है, या वहाँ पे एंजाइम्स को इंड्यूस करवाना है, तो वो सारी की सारी किस मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रही होती हैं? इंड्यूस फिट। ये नहीं है कि जो बिल्कुल बॉडी के अंदर है वही बॉडी के, मिसाल के तौर पर इंसुलिन की एग्जाम्पल ले लो, क्या जो इंसुलिन हमारी बॉडी में होती है बिल्कुल वैसी ही हू बहू वही इंसुलिन हम बाहर से बना के डाल रहे हैं? नहीं, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में, उसको हम कहते हैं ये स्ट्रक्चरल कॉन्जेनर है। क्या है? स्ट्रक्चरल कॉन्जेनर। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर डिफरेंस है तो काम वो चल जाता है, रिएक्शन हो जाता है बॉडी में, बॉडी में रिएक्शन हो जाता है। मतलब जो काम इंसुलिन ने करना होता है, जो बाहर से लगाते हैं वो अपना काम करती है। अगर बिल्कुल वो वाला होता, लॉक एंड की मॉडल होता, तो वही इंसुलिन डालनी पड़ती जो हमारी बॉडी में है। इसके अलावा जो बाकी इंसुलिन डालते हैं वो काम ना। अब बात समझ में आई? yes, तो इसका मतलब कौन सा मॉडल ज़्यादा एक्सेप्टेबल है? इंड्यूस फिट मॉडल। दो बातें, कंक्लूजन ये निकला, लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर, इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट इज, इट कैन बी मोल्डेड, कैन बी इंड्यूस्ड, धक्के से चेंज की जा सकती है, धक्के से वो चीज़ फिट की जा सकती है। थोड़ी सी ये जोर जबरदस्ती करेगा तो ये फिट हो जाएगा, ये थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर इसका मोल्ड हो जाएगा, और आपकी सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। एक दफा इसकी रीडिंग कर ले। पेज नंबर है बेटे आपके पास 1112। इन 1958 एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, जैसे एमिल फिशर जो था वो जर्मन केमिस्ट था, तो ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था। डैनियल कोशलैंड सजेस्टेड अ मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन का मतलब उसने थोड़ा सा उसको जदीद बनाया, टू लॉक एंड की मॉडल एंड प्रपोज्ड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज नॉट अ, रादर इट इज मोल्डेड इनटू रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स, अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक्टिव साइट इज मोल्डेड, एक्टिव साइट इज मोल्डेड। मोल्डेड का मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाना, ठीक है, उस स्पेसिफिक शेप में कन्वर्ट हो जाना। इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज मोर एक्सेप्टेबल देन लॉक एंड की मॉडल ऑफ द एंजाइम। ये देखो जरा, आपके पास सबस्ट्रेट है और एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट की शक्ल थोड़ी सी चेंज है और एक्टिव साइट की चेंज है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस, लेकिन यहां पर जरा देखो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, बन गया। इसी तरह अगले पेज पे आपको जो है वो उसने तीन डायग्राम्स बना के दिए पेज 113 के ऊपर, जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन जरा देखो नीचे उसने एंजाइम बनाया, ऊपर तीन बनाई है सबस्ट्रेट 1 2 3। बताओ कौन सी बाइंड करेगी? थ्री बाइंड करेगी, ठीक है, क्योंकि उसकी शेप उसके साथ ज्यादा रिलेटेड है। क्लियर ये बात? तो बेटा इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह।